नमस्कार वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत मैं हूँ विकास नांगिया दर्शकों जैसे ही गर्मियों के मौसम की शुरुआत होती है वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो जाती है तो नए ब्राइड्स एंड ग्रूम्स टू बी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं जहाँ शादी का माहौल है उनके लिए तो घर परिवार में खुशहाली है लेकिन जहाँ विवाह नहीं हो पा रहे वहाँ पर चिंताजनक माहौल है ऐसे में क्या वास्तु आपकी मदद कर सकता है इसी विषय को जहन में रखकर के आज हम अपनी वास्तु और फंक्शु कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत करेंगे डिलेज इन वेडिंग एंड वास्तु विषय पर पल्लवी जी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया डिलेज डिलेज इन वेडिंग एंड वास्तु क्या कहेंगे इस विषय के बारे में बहुत सही टॉपिक आपने पसंद किया है ज़्यादातर पेरेंट्स के साथ बातचीत करते दौरान अमेरिका के अंदर ये बहुत जगह पे पाया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोशल ना होने की वजह से काफ़ी और तरह के बच्चों के अंदर फ्रीडम होने की वजह से रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो भी वजह बनती हो लेकिन यहाँ पे शादी ब्याह से रिलेटेड परेशानियाँ हमेशा बनी रहती है और अच्छे घर के फैमिली वाले लोगों को अपने बच्चों के लिए राइट पार्टनर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए उनको राइट पार्टनर ढूंढने में बहुत तरह की परेशानियां होती है जी, काफ़ी जी. तरह की वेबसाइट है काफ़ी एक दूसरे के साथ बातचीत करके कोशिश कर सकते हैं लेकिन फिर भी मन में एक डर बना रहता है कि अगर हमने कहीं सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और के कहने से लड़के को या लड़की को पसंद किया है तो हो सकता है कि उनको सही पार्टनर मिले और कोई परेशानी ना हो और ज़्यादातर लोगों को बड़ी एज की लड़कियों के बारे में काफ़ी चिंता रहती है कि लड़कियों की शादी नहीं हो पाती तो वास्तु दोष ऐसा घर में क्या होता है जिसकी वजह से शादी ब्याह के अंदर डिले होता है पहले वो जानना चाहिए और उसी के साथ साथ उसका समाधान कैसे हो सकता है ताकि आपको सही पार्टनर और बच्चों को राइट टाइम पे अच्छी मैरिज लाइफ के लिए सही लोग मिल जाए सही परिवार मिल जाए तो वो दोनों उसके उपाय और प्रॉब्लम दोनों का रीज़न समझना चाहिए जी आ... बहुत अच्छे आपने बात कही कि पल्लवी जी सोशल मीडिया के थ्रू अखबार के थ्रू आजकल आ, तो मैं ये कहूँगा कि जो आ, जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है। वेबसाइट तो हैं लेकिन जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं यहाँ अमेरिका की अगर खास बात करूँ तो कितनी ऐसी आ, अलग अलग संस्थाएं हैं जो कपल्स को जोड़ने का लड़का और लड़की को की मैट्रीमोनल अलायंस के लिए काम करती हैं अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कई बार पेरेंट्स को लग रहा होता है कि उनके बच्चे शादी के लिए तैयार हैं लेकिन बच्चों को लगता है कि दे आर नॉट येट रेडी फॉर मैरिज वासुदोष की बात तो बाद में आती है लेकिन एक दूसरे के साथ वेवलेंथ ही नहीं मैच करता इसमें भी कहीं वास्तु की वजह हो सकती है कि वेवलेंथ ही मैच नहीं कर रहा बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सबसे पहली बात यह है कि कोई भी घर जहाँ पे आप रहते हो आपके बच्चे बाहर रहते हो कहीं और जगह पे पढ़ते हो जैसे मैं उसके लिए एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक परिवार कैलिफोर्निया में रहता है yeah. उसका बेटा पढ़ने के लिए शिकागो वहाँ पे रहता है और शिकागो डाउन, डाउन के अंदर वो रह रहा है तो परिवार को ज़्यादातर इस बात की चिंता होती है कि शिकागो वाला जो बेटे का घर है जो उसने लीज़ किया हुआ हो या अपार्टमेंट खरीदा हुआ हो या स्टूडियो अपार्टमेंट हो उसकी चीज़ों से वास्तु से रिलेटेड हेल्प करने से शादी ब्याह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या अपने घर की वजह से ये सारे सरकमटेंसीस बैलेंस हो सकते हैं तो उसका पहला जवाब ये होता है कि जो आपके मेन घर है जब तक बच्चे की शादी नहीं होती है तब तक वो मेन परिवार के साथ जुड़ा होता है तो जहाँ पे उनका कैलिफोर्निया में जहाँ पे उनका बेस बना हुआ हो जहाँ पे वो मेन घर हो वो घर डिसाइड करता है कि नए बनने वाले रिलेशनशिप नए परिवार के साथ जुड़ने वाले लोग उनके लिए वो रिश्ता सही रहेगा या वो कुछ ऐसे गलत लोगों के मिलेंगे जिसकी वजह से शादी होने के साथ टूटने की संभावना है या लड़के या लड़की का दिमाग या उनका विचार या उनके सोच ऐसे बन जाएंगे कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी जो आपने अभी कहा तो नया रिलेशनशिप परिवार को बढ़ के परिवार एक्सटेंड होगा कि नहीं वो बेसिक घर के साथ जो उनका मेन घर है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि जिसकी वजह से जब शादी होती है तो लड़के और लड़की की नहीं होती है दो तो परिवार मिलते हैं एक परिवार के अंदर नए रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं तो पुराना जो उनका बेसिक घर जिस किसी भी पेरेंट्स का जो बेसिक घर होता है वो डिपेंड करता है कि उनके बच्चों की शादी बहुत लेट होगी बहुत जल्दी से होगी सही घर में होगी शादी में कोई रुकावट या गलत लोगों के साथ मिलना होगा एंगेजमेंट के अंदर कोई परेशानी हो सकती है तो ये सारी चीजें मेन घर के साथ रिलेटेड है यहाँ पे ये समझना मेरे लिए जरूरी है कि क्या आ... लड़का या लड़की ब्राइड हो या ग्रूम हो जिनके विवाह में देरी हो रही हो क्या एक ही तरह का वास्तु दोष हो सकता है या लड़की के डिले होने का वास्तु दोष अलग होगा या होता है और लड़के के मैरिज में डिले होना वो अलग तरह का वास्तु दोष होता है बिल्कुल सही कहा आपने वास्तु के हिसाब से लड़कियों की शादी ब्याह के लिए कुछ तरह के डायरेक्शन को आ, बताया गया है उसके अंदर क्या तरह के वास्तु दोष हो जिसकी वजह से वास्तु दोष की निशाने से शादी रुक सकती है उसके बारे में भी बताया है और लड़कों के बारे में डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सो so बेसिकली दोनों के वास्तुदोष एक जैसे नहीं है दोनों के लिए सॉल्यूशन के लिए दिशाएं भी अलग अलग है और उनके लिए बेडरूम पोजीशन या एंट्रेंस डोर अलग अलग तरह के बताए गए हैं तो जो उनके लक्षण है जो वास्तुदोष की निशानी है उस पर अगर हम एक एक चीज़ों के बारे में सेपरेटली बात करें तो जिस घरों के अंदर लड़कियों का बेडरूम साउथ दिशा में बना हुआ हो या साउथ वेस्ट दिशा में बना हुआ हो तो वहाँ पे ज़्यादातर फीमेल से रिलेटेड लड़कियों से रिलेटेड शादी से रिलेटेड समस्या घर में बन जाती है अगर यहाँ तक कि उन्होंने जब शुरू से घर बनाया हुआ हो और लड़की दो तीन चार साल की हो तभी से वो बेडरूम उसको दिया हुआ हो उस घर में वो पंद्रह साल से रहते हो या बीस साल से रहते हो तो ऐसे करते करते उसका बेडरूम साउथ के अंदर में भी सात साल से ज़्यादा हो गया है या ग्यारह साल से ज़्यादा हो गया है तो ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनकी शादी अपने आप डिले हो जाती है जितनी भी अच्छे राइट पार्टनर या राइट अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन दिमागी तौर पर डिसीज़न ऐसा हो जाता है कि नहीं ये सही नहीं है ये सही नहीं ऐसा करते करते वक्त निकल जाता है उम्र निकल जाती है और बहुत देर के बाद समझ में आता है कि हम किस चीज को ढूंढ रहे थे ये तो सब कुछ निकल गया हाथ से जी, जी. तो लड़कियों का बेडरूम वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार कभी भी तीन साल के बाद अगर लड़की इतनी छोटी हो तब तक ठीक है लेकिन उसके बाद कभी भी साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर नहीं रखना चाहिए उससे दो समस्या खड़ी हो जाती है पहली बात मैरिज के अंदर बहुत डिले हो जाता है और दूसरी बात वहाँ पे ये भी देखी जाती है कि लड़कियाँ उसी घर का कंट्रोल ले लेती है और पेरेंट्स के साथ उसी जो भी बच्चा वहाँ पे सोता है उसके साथ कनेक्टेड पेरेंट्स को एक या दूसरे तरीके से स्ट्रेस बना रहता है तो, एक तो वो घर की जिम्मेदारी बन जाता है।, है और उनका एक आ जाती है Uh, बहुत अच्छी बात पल्लवी जी ने काफ़ी ज्ञानवर्धक बात बताई कि किन कारणों की वजह से डिले हो सकता है विचारों का ना मिलना स्टेटस का ना मिलना एजुकेशन का ना मिलना एक ये कॉमन uh, बात है लेकिन अगर वास्तु की बात करते हैं तो उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से बताया कि किन किन दिशाओं में एक यंग uh, एज से ही uh, जो है uh, अगर लड़कियों को वो उस दिशा का घर साउथ और साउथ आपने कहा का अगर रूम ना दिया जाए तो uh, ये वास्तु अनुसार जो बात है तो आप देखें कि उनकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का परिवर्तन आता है डिलेज इन मैरिज एंड वास्तु विषय पर बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं देखते रहिए वास्तु वास्तुन